इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी क्या बीमारी है और इसका कैसे इलाज किया जाता है? आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, डायरेक्टर जीआई सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और पटपड़गंज, इस वीडियो के माध्यम से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी हमारे बड़ी आंत या छोटी आंत में होने वाली बीमारी है, जिसमें रह रहकर बार बार छोटी आंत या बड़ी आंत में सूजन आती है, जिसकी वजह से जो मरीज है उसको पेट में दर्द होना, दस्त लगना, उन दस्त में ब्लड आना या कभी कभी साथ में बुखार रहना भी होता है। अगर हम मुख्यतः बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की, तो जो डिस्क्राइब की गई हैं बीमारियां वो दो तरह से होती हैं, एक जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है और दूसरी जिसे क्रॉन्स डिजीज कहते हैं। हम इन दोनों बीमारियों के बारे में एक एक कर बात करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी है जो हमारी बड़ी आंत में जो सबसे निचला हिस्सा रेक्टम से शुरू होती है। बीमारी में व्यक्ति को जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें चोट आती है, घाव हो जाते हैं जो कि ब्लीडिंग करते हैं, तो व्यक्ति को मोशन की फ्रीक्वेंसी यानी डायरिया होता है और उन डायरिया या स्टूल्स में ब्लड आता है। खास तौर पे यंगर पेशेंट्स में ये बीमारी देखी जाती है। कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा उम्र होने पर भी ये बीमारी पहली बार पता चल सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का ज़्यादातर ट्रीटमेंट दवाइयों से किया जाता है, पर अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय दवाई देनी पड़ रही है या वो दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है या फिर उन दवाइयों को टॉलरेट करने में या उनके साइड इफ़ेक्ट्स अधिक आ रहे हैं, तो उस तक सिचुएशन में सर्जरी का रोल रहता है। जैसे मैंने बताया, अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादातर हमारी बड़ी आँख को अफेक्ट करती है। क्रोहन्स डिजीज एक बीमारी है जो कि पहले ज़्यादातर वेस्टर्न पॉपुलेशन यानी अमेरिका या यूरोप में ज़्यादा देखी जाती थी, पर आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि और इंडिया में लाइफस्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज जैसा होता जा रहा है, क्रोहन्स डिजीज बहुत कॉमनली इंडिया में और यंगर पेशेंट्स में देखी जा रही है। क्रोहन्स डिजीज में व्यक्ति को बार बार पेट में दर्द उठता है, साथ में डायरिया होता है और साथ में बुखार भी रहता है। ये बीमारियाँ दोनों अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स फ्लक्चुएटिंग चलती हैं। फ्लक्चुएटिंग यानी कभी ये लक्षण किसी कारण या बिना किसी कारण के बढ़ जाते हैं और कभी कभी ये अपने आप या दवाइयों के साथ कम हो जाते हैं। जब भी बीमारी बढ़ती है उस वक्त तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत रहेगी जो कि आपका इलाज कर रहे हैं, ताकि उस समय अगर दवाई बढ़ाने की जरूरत है या ट्रीटमेंट में नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने की जरूरत है तो आपके डॉक्टर्स आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन जो देखी जाती है वो मोस्ट कॉमनली होती है एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लक्षण आना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना जिसकी वजह से शरीर में खून कमी हो जाना, पानी की कमी हो जाना, या फिर वो बीमारी बढ़ती रहती है तो बड़ी आँत का फूल जाना जिसे टॉक्सिक मेगाकोलन, या रेयरली कभी बड़ी आँत का फट जाना जो कि एक इमरजेंसी स्थिति है जिसमें इमरजेंसी इलाज जिसमें सर्जरी का भी बहुत अहम रोल रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है वो समय के साथ कैंसर का होना है। जो हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो यही बताती हैं हमें कि 10 साल के बाद किसी व्यक्ति को अगर कोलन कैंसर का रिस्क है वो 2% रहता है, 15 साल के बाद यह रिस्क बढ़कर 10% हो जाता है और 20 साल के बाद यह रिस्क बढ़कर 18% तक हो जाता है। ऑब्वियसली जो व्यक्ति या मरीज अपना समय से इलाज नहीं कराते हैं, ये सूजन बार बार चलती रहती है, उसमें ये कैंसर होने का रिस्क अधिक रहता है। अगर हम क्रोहन्स डिजीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो क्रोहन्स डिजीज में फिस्टुलाइजिंग यानी कि आसपास की छोटी आँत, बड़ी आँत, कभी वजाइना से या कभी कभी पेशाब की थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है उससे फिस्टुला बनने की तकलीफ भी होती है। एक और जो लक्षण क्रोहन्स डिजीज में देखा जाता है वो है बार बार लैट्रिन के रास्ते, मोशन के रास्ते के बाहर पस बन जाना या फिस्टुला बन जाना। ये सारी तकलीफें पॉइंट करती हैं किसी व्यक्ति को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी हो सकता है। अगर हम आईबीडी और इन दोनों बीमारियों के अलावा होने वाली छोटी आँत या बड़ी आँत की बीमारियों की बात करते हैं जिसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस, उसमें फ़र्क जो देखने को मिलता है वो ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये तकलीफ बार बार किसी व्यक्ति को होती है,
ज्यादातर इन्फेक्शन होगा, कुछ समय होगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज चूंकि एक इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है, उसमें यह तकलीफ पेशेंट को बार 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 सिम्टम्स आते रहते हैं, जिसका वो कुछ समय इलाज कराते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर इलाज बेध्यानी करते हैं, तकलीफ वापस होने लगती है। इस बीमारी में रेगुलर फॉलोअप की बहुत अधिक जरूरत है। क्रॉन्स डिजीज को आज तक भी ट्यूबरक्लोसिस से डिफ्रेंशिएट करने में काफी दिक्कत आती है। इंडिया में, हिंदुस्तान में टीबी ज्यादातर देखी जाती है। कभी कभी टीबी का इलाज चलता रहता है, क्रॉन्स डिजीज होती है, पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आता और बीमारी बढ़ जाती है। जरूरत यह है कि पेट में लक्षण होने से एक पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को समय से दिखाया जाए और उसका सही तरीके से जांच और इलाज किया जाए। इस वीडियो में हमने आपको आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और उससे होने वाले लक्षणों के बारे में बताया। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और आप और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अधिक जानकारी हमारे वेबसाइट, जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप हमसे इस बीमारी के बारे में मिलना चाहते हैं, इससे जानकारी लेने या इसके इलाज के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर या वेबसाइट के लिंक से आप अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।